हेलो दोस्तों, नमस्ते। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, जिसे लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में भी जाना जाता है, 9 देशों तक फैला हुआ है। अमेज़न जंगल ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रांस गुयाना का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे रिचेस्ट और मोस्ट वेरिड इकोसिस्टम है। यह जहरीले सांपों, जहरीले मेंढकों, जैगुअर और मांस खाने वाला पिरान्हा जैसी घातक प्राणियों का घर है। हजारों विभिन्न पेड़ों और जानवरों की प्रकृतियों का घर होने के अलावा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 400 से 500 इंडिजिनियस ट्राइब्स का भी निवास है। यह अनुमान लगाया जाता है कि इनमें से 50 अधिक जनजातियों के कभी भी बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रहा है। उन सभी एडवेंचरस लवर लोगों से एक सिंपल प्रश्न, जो जंगल में पैदल यात्रा और शिविर लगाना पसंद करते हैं, क्या आप अमेज़न रेनफॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? यूसुफ योसी गिन्सबर्ग, एक इजरायली एडवेंचरर, अनइनहैबिटेड बोलिवियाई अमेज़न जंगल का पता लगाने के लिए गया और जंगल के बीचों बीच 3 सप्ताह के लिए खो गया। वो कैसे खो गया? बिना किसी फूड सप्लाईज के वो कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा? उसे कैसे बचाया गया? आइए इस वीडियो में योसी गिन्सबर्ग की जीवित रहने की कहानी के बारे में बात करते हैं। योसी गिन्सबर्ग के साथ 3 और लोग अमेज़न गए थे। मार्कस ट्रेम, स्विट्जरलैंड का एक शिक्षक, केविन गेल, एक अमेरिकी फोटोग्राफर, और कार्ल रूप्रेक्टर, एक रहस्यमय ऑस्ट्रेलियाई जो जियोलॉजिस्ट होने का दावा करता था। रूप्रेक्टर ने गिन्सबर्ग को बताया कि वो बोलिविया के तकाना नामक एक गांव में सोने की तलाश में अमेज़न में एक अभियान की योजना बना रहा था। गिन्सबर्ग ने अमेज़न के अनएक्सप्लोर्ड एरियाज का पता लगाने का अवसर लिया। वो तुरंत मार्कस और केविन के साथ रूप्रेक्टर की यात्रा में शामिल हो गए। उन चारों का पहले एक दूसरे से कभी संपर्क नहीं था, फिर भी वो सोने की तलाश में बोलिवियाई साहसिक कार्य में लग गए। सार सदस्य टीम लापाज गई और वहां से टूची नदी और असारियामास नामक एक स्थानीय गांव तक गई। वहां उन्होंने भोजन और अन्य सप्लाईज रीस्टॉक किया। ग्रुप ने असारियामास नदी और पहाड़ों के पार यात्रा शुरू की। आखिरकार सप्लाईज कम होने के कारण उन्हें बंदरों को खाना पड़ा। स्टेम ने बंदरों को खाने से इनकार कर दिया और शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। इन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी यात्रा छोड़कर असारियामास लौटने का फैसला किया। असारियामास में वापस उन्होंने टूची नदी के नीचे कुरिप्लाया नामक एक छोटे सोने की खदान के लिए एक नाव पर सवार होने का फैसला किया और वहां से नदी की ओर उतरकर रुरेनाबाग तक और फिर लापाज में वापस लौट आएंगे। लेकिन टूची इपुरामा नदियों के संगम पर पहुंचने के बाद रूप्रेक्टर ने अचानक बोटिंग के लिए अनुपयुक्त रैपिड्स, झरनों और पत्थरों की एक खतरनाक श्रृंखला के बारे में बताया। क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने यात्रा जारी रखने से इनकार कर दिया। समूह विभाजित हो गया। रूप्रेक्टर और स्टेम ने यात्रा छोड़कर वापस चलने का फैसला किया। गेल और गिन्सबर्ग ने राफ्टिंग जारी रखने का फैसला किया। चारों लोग क्रिसमस से पहले लापाज में फिर से एकत्र होने का संकल्प लिया।
जैसे ही गिन्सबर्ग और गेल का राफ्ट झरने के पास पहुंचा, उन्होंने नियंत्रण खो दिया और अलग हो गए। केविन गेल किनारे पर आ गए, लेकिन गिन्सबर्ग नदी के नीचे और झरने के ऊपर तैरने लगा। उन्होंने गेल की तलाश में ऊपर की ओर यात्रा करते हुए 4 दिन बिताया। फाइनली उसे एहसास हुआ कि वो जंगल में अकेला रह गया। गेल को स्थानीय मछुआरों ने 5 दिन के बाद बचाया था। उसके बाद लापस शहर वापस आकर उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बचाव अभियान की तैयारी के मदद के लिए इजरायली और ऑस्ट्रियाई दूतावासों का दौरा किया। वहां गेल को सूचित किया गया कि रूपरेक्टर वास्तव में एक ऑस्ट्रियाई अपराधी था जिनकी इंटरपोल को तलाश थी। गिन्सबर्ग ने अकेले 3 सप्ताह अमेजन के एक अज्ञात हिस्से में खोए हुए बिताए। वो अपने जीवन के अंतिम छोर पर प्रकृति में बिल्कुल अकेले जीवित रहे। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसका पैर फंजाई से सड़ने लगा। स्थानीय अधिकारियों ने प्लेन फ्लाईओवर के जरिए तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन वे गिन्सबर्ग को ढूंढने में असफल रहे। केविन को विश्वास था कि गिन्सबर्ग जीवित है। केविन ने गिन्सबर्ग को खोजने के लिए स्थानीय नाव पायलट की मदद ली। आखिरकार 3 दिनों की खोज के बाद उन्हें गिन्सबर्ग मिल गया। वो बहुत कमजोर हो गया और मुश्किल से खड़ा हो सका। गिन्सबर्ग को रूबेनबर्ग ले जाया गया और एक अस्पताल में ठीक होने के लिए 3 महीने लगे। रूपरेक्टर और स्टेम लापस और कभी नहीं लौटे। कई बचाव अभियानों के प्रयासों के बावजूद वे कभी नहीं मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।